अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम एक मोबाइल का सॉफ्टवेयर करेंगे जो हवावे का मॉडल है, और आपको दिखाते हैं कि आप किस तरीके से इस मोबाइल को सॉफ्टवेयर इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने इसका चिपसेट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेना है। जैसे ही आप आइडेंटिफाई करेंगे और अपने फ़ोन को साथ में अटैच करेंगे तो यहाँ पर आपको वो अपनी पूरी की पूरी इन्फो दे देगा। तो यहाँ पे मैं आपको उसके ड्राइवर्स भी दिखा देता हूँ। ये देखें आप, मीडिया टैग के ड्राइवर भी आ चुके हैं। ये हवावे 3C है और इसका मॉडल है H30 U10। तो ये हवावे 3C को हम किस तरीके से फ्लैश कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी बूट का प्रॉब्लम है, बूट नोट एक्सेप्टेड आ रहा है, तो ये इश्यूज़ आते हैं। तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, इसके बारे में ये सारी वीडियो बनेगी और आपको बताया जाएगा कि आपने किस तरीके से इसका जो सा बूट है उसको अनलॉक करेंगे, और यानी कि इसका बूट लोडर को अनलॉक करेंगे तो फिर ये आप चला सकते हैं। यहाँ पे आपने इसकी फाइल दे देनी है और यहाँ पे आपने EMMC पे क्लिक कर लेना है और राइट मेमोरी, यहाँ से आपने इस फाइल को सिलेक्ट करना है। और जौन सा नीचे जौन सा ये जितने भी ज़ीरो आ रहे हैं यहाँ पे सारे ज़ीरो को ख़त्म कर देना है और 800 रहने देना है। और यहाँ पे जितने ज़ीरो आ रहे हैं उन सभी ज़ीरो को आपने ख़त्म कर देना है। और एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे सभी के सभी स्मॉल नहीं है, कैपिटल है, तो ये सारे वर्ड्स कैपिटल ही रहने चाहिए। ये ना हो कि आप स्मॉल कर दें, स्मॉल से भी काम हो जाता है लेकिन अक्सर फ़ोन करप्ट हो जाते हैं, प्रॉब्लम बन जाती है। तो यहाँ पे राइट मेमोरी करते हैं। तो अभी हम अपने फ़ोन के इसके साथ कनेक्ट करेंगे और आप देखेंगे कि हमारा जो सा फ़ोन है वो यहाँ पे ओके हो चुका है, यहाँ पे फाइल हमारी राइट हो चुकी है। और उसके बाद आपने ऐसा करना है कि राइट यहाँ पर डाउनलोड मोड पर लगा देना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड मोड में लगाएंगे तो यहाँ से आपने यस कर देना है, और बैटरी आपने फ़ोन के साथ अभी नहीं लगानी, बैटरी आपने तभी लगानी है जब आप अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर करने लगे, उससे पहले आपने बैटरी को नहीं लगाना। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारा काम हो चुका है। अब मैं आपको वापस CM2 पे लेकर जाऊँगा, वहाँ पे इस फ़ोन का इन्फो लेकर देखेंगे कि आया है हमारा जो सा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं और अपने फ़ोन को लगाते हैं, बैटरी के साथ चाहे लगा लें और चाहे वैसे विदाउट बैटरी लगा लें। तो आपके पास ये इन्फो टोटल आ चुका है, आप देख सकते हैं H30 U10 है और ये हवावे का 3C का मॉडल है। और अब इसको हम किस तरीके से फ्लैश करेंगे, वही मेथड है सिंपल सा। आप चाहे तो SP Tool से भी फ्लैश कर सकते हैं और उसके अलावा भी फ्लैश इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको फ्लैश करके दिखाएंगे कि आपने इसको फ्लैश किस तरीके से करना है। अब इसका बूट लोडर है जो सा वो अनलॉक हो चुका है और आप इजीली इसी वर्जन का आप कोशिश करें कि इसको अपग्रेड नहीं करें। और 442 का जो सा आपके पास वर्जन होगा उसी फाइल को सिलेक्ट करें और उसमें राइट कर लें। अगर आपके पास कोई डाउनग्रेड वर्जन है तो आप उसको भी राइट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, तो कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैं आपको ये फाइल राइट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास फाइल पड़ी है 442 की और मैं इसी में यही फाइल को राइट करूँगा। तो यहाँ से हम स्किप प्री लोडर पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से हम इसको फ्लैश कर देंगे और थोड़ी देर में हमारा जो सा फ़ोन होगा वो कंप्लीट फ्लैश हो जाएगा और जो सा हमारा इसमें प्रॉब्लम था वो भी क्लियर हो जाएगा। बेसिकली ये जो सा फ़ोन था ये बूट लोडर अनलॉक करना था तभी ये CM2 पे ये इन्फो लेता है। आप इस फ़ोन को इसी तरीके से फ्लैश कर सकते हैं, वैसे आप इसको फ्लैश नहीं कर सकते। हमारी जो सी फ्लैशिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ ताकि जल्दी से हमारी जो सी ये वीडियो है वो ख़त्म हो जाए और मैं आपको चेक करवा सकूँ कि ये हमारा देखें कि इन्फो बिल्कुल सही तरीके से फ्लैश हुआ है और हमारा सेट भी ऑन हो जाएगा। अभी तो ये लोगों पर स्टक है और
अपनी प्रॉपर इन्फो दे रहा है। अगर आपके पास ऐसा कोई फ़ोन आ जाए तो आपने हवावे 3C को इसी तरीके से फ्लैश करना है। पहले आपने चेक कर लेना है कि आया ये सिक्योरिटी बूट का प्रॉब्लम दे रहा है। तो अगर सिक्योरिटी बूट का प्रॉब्लम दे रहा होगा तो फिर आपने इसी तरीके से इसको फ्लैश करना है। पहले उसका आपने बूट लोडर को अनलॉक कर लेना है और उसके बाद अगर आप इसको फ्लैश करना चाहते हैं तो इसको आप इजीली फ्लैश कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं आपके पास ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। लास्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका इन्फो क्या है और उम्मीद करते हैं कि हमारा फ्लैश भी सक्सेसफुल होगा। और लास्ट में ही मैं आपको चेक करवा सकता हूँ कि हमारा इन्फो भी कंप्लीट आएगी और इंशाल्लाह जो सा फ़ोन है वो भी सही तरीके से कनेक्ट होगा। उसके ड्राइवर से हमें पता चल जाएगा कि जो सा हमने इसमें सॉफ्टवेयर को राइट किया है वो हमारा परफेक्ट है या नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो यहाँ पे जो सा हमारा फ़ोन है वो कंप्लीट फ्लैश हो चुका है और ये इसका इन्फो है। अभी हम आपको इसका इन्फो चेक करवाते हैं और ये देख सकते हैं कि हमारा इन्फो कंप्लीट आ चुका है। और पहले भी कंप्लीट आता था लेकिन पहले प्रॉब्लम ये था कि हम इसको फ्लैश नहीं थे कर सकते क्योंकि ये हमारे पास लोगो स्टक पे आया था। तो उसका हमने बूट लोडर को अनलॉक किया है और उसके बाद आपको यहाँ पे इन्फो लेकर दिखाई है। और अभी हम अपने सेट को ऑन कर लेते हैं, उससे अंदाज़ा ये हो जाएगा कि हमारा फ़ोन, या आप देख सकते हैं कि ABD के ड्राइवर्स आ रहे हैं, ये एंड्रॉयड फ़ोन के ड्राइवर्स हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा फ़ोन ओके हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मैं ऐसे ही और वीडियो लेकर आता रहूँगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।